हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते एवरीवन। हाँ, उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे। काफ़ी देर के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। रिसेंटली आपको जैसे पता है कि मैं रशिया में गया था और उसके भी रिगार्डिंग काफ़ी मैंने ब्लॉगिंग वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। और जो आज की जो इन्फॉर्मेशन वीडियो वो आपके लिए लेकर आऊँ, जो हमारा ग्रुप टूर है। आपको पता है कि काफ़ी लोग डिमांड करते हैं कि सर जैसे आप ब्लॉगिंग जाते हो बाहर, हम भी आपके साथ घूमना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए हमारा जो ग्रुप टूर है वो ट्वेंटी फाइव फरवरी के बीच में जाएगा। तो मैं चाहता हूँ उसके लिए जल्दी आप अपनी सीट बुक करवाएं। ठीक है, और ये आपको पता है जैसे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसके रिसेंटली जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी हमारे दो ग्रुप जा भी चुके हैं, एक ग्रुप मैं खुद लेकर गया था और जो दूसरा ग्रुप था वो हमारे मैनेजर मिस्टर सलीम वो लेकर गए थे। उनकी रिगार्डिंग में जो व्लॉगिंग वीडियो वो भी बनाकर मैं डाल ही रहा हूँ नेट पर, तो उसके बारे में आपको भी पता चल जाएगा कैसे टूर होता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम दो दिन हमारा स्टे होता है थाईलैंड में, और दो दिन जो स्टे होता है मलेशिया में, और थ्री डेज होता है हमारा सिंगापुर में। एवरीथिंग इसमें इंक्लूड होता है, आपके होटल, आपके ब्रेकफास्ट, आपकी ए टिकट फेयर, सब कुछ इंक्लूड होता है। सिर्फ इसमें जो लंच और डिनर का खर्चा होता है वो आपका बाय सेल्फ होता है, और एज ए गाइड के तौर पर कहाँ कहाँ घूमना है, कौन कौन सी चीज़ें अच्छी है वो मैं आपके साथ होगा आपको दिखाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और काफ़ी लोग सोचते होंगे कि ग्रुप टूर का हमको बेनिफिट क्या है। ग्रुप टूर का आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। अभी मान लीजिए कई लोग है ना अप्लाई करना चाहते हैं, काफ़ी लोग अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा के लिए, शेंगेन कंट्री के वीज़ा के लिए, यूके के लिए, लेकिन उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं अच्छी होती। तो जब वो फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, और जो रीज़न होता है उसके पीछे ट्रैवल हिस्ट्री का होता है। तो आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन लकी चांस है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का, वो भी कम पैसों में, सिर्फ 80,000 में है। ठीक है, और 80,000 में आपको इंक्लूड सब कुछ मिलेगा आपको। और इस अच्छी जब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी फिर आप कहीं पर भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, शेंगेन, कनाडा, यूके या अमेरिका। इससे क्या होगा, इसकी आपकी जो वीज़ा सक्सेस रेट है काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही फालतू अपने पैसे जो एजेंटों को मत खराब करें कि फ्रेश पासपोर्ट हमारा वीज़ा लगवा दें, उनका ये बिजनेस है, वो आपको मना नहीं करेंगे। अगर कोई मना करेगा तो आप सोचोगे कि चलो इस एजेंट से नहीं, चलो हम किसी और एजेंट से अप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, और एक गुड न्यूज़ है, हमने काफ़ी अपना जो बड़ा नया ऑफिस ले लिया हुआ है। नए ऑफिस की लोकेशन मैं अभी शेयर नहीं कर रहा, कुछ लीगल पर्पस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो मैं अप्लाई करने के बाद जो एड्रेस को नेट पर अपडेट करूँगा। और इसके लिए अगर आप कोई भी मिलना आने चाहते हो, जो आपको पता है आप हमारे ऑफिस में जो नंबर नीचे दिए गए इस नंबर को आपको जब कॉल करोगे तो आपको लोकेशन हमारे जलंधर में नया ऑफिस कहाँ पर है आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद ही मार्च में भी मार्च और अप्रैल के बीच में हमारा जो एक नेक्स्ट ग्रुप टूर जाएगा वो जाएगा रशिया के लिए। ठीक है, रशिया में हमारी जो दो कंट्री सबसे बड़ी वो हम उसमें ट्रैवल करेंगे वो होगी मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। दो नाइट्स हम करेंगे, टू नाइट्स हम स्टे करेंगे मॉस्को में, और थ्री नाइट स्टे करेंगे हम सेंट पीटर्सबर्ग में। तो ये हमारा फाइव नाइट्स का पैकेज होगा। इसकी कॉस्ट भी आपको जल्द बता दी जाएगी वेरी सुन। तो ये अपना जो लकी चांस है ग्रुप टूर में, मिस मत कीजिए अपने, जल्दी से जल्दी आपको हमको मिलें। ठीक है, क्योंकि जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो 10 से 15 दिन का हमारा वीज़ा अप्लाई करने का होता है। ठीक है, और जो मैंने ग्रुप टूर को ये मैंने जो नई न्यू चीज़ है पंजाब में शुरू की हुई है, अदरवाइज़ आपको पता है कोई नहीं करता, तो आपकी सपोर्ट की ही वजह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए आपको मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और सभी को बोले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके लिए काफ़ी मैं जो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।